बोनी कपूर साहब तो भाई रुकी नहीं रहे अपने बच्चों के लिए भाई। अच्छी बात है बच्चों से प्यार करना, लेकिन तुम ऐसे थोड़ी ना कर दोगे भाई। मिली आई वो भी मलयालम मूवी का रीमेक था, उससे पहले उनकी जहरी आई जानवी की बात कर रहा हूँ वो भी एक रीमेक था, अभी सन ऑफ सत्यमूर्ति के रीमेक ले लिए हैं भैया इन्होंने। सन ऑफ सत्यमूर्ति अगर आपने नहीं देखी है तो भाई अल्लू अर्जुन की मूवी है, जाके यूट्यूब पे देख लेना, फ्री में मिल जाएगी। एंड क्या ही फिल्म है भाई, अपने बाप के लिए बंदा क्या क्या नहीं कर जाता। एंड भाई इसमें एक फाइट सीक्वेंस अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं, वहां पर ना फाइट करनी है लेकिन फाइट को छुपाना भी है कैसे न कैसे करके, वरना भाई विलेन की बीवी को पता चल जाएगा कि फाइट हो रही है, शी इज खिलाफ ऑफ फाइट। और भाई कितनी खूबसूरती के साथ इस चीज को अंजाम दिया, मेरे को तो देखने में आया बड़ा मजा। तो गाइज अभी शहजादा आपने देखा होगा उसका फर्स्ट लुक, कहते हैं साफ साफ अला वैकंतपुर मुल्लू का ऐसा कॉपी पेस्ट मार रखा है एवरीथिंग, लेकिन वो चार्म नहीं आया। बाकी कार्तिक आर्यन ने काम बहुत तगड़ा कर रखा है अपनी जान में, और अर्जुन कपूर जब सन ऑफ सत्यमूर्ति करने निकलेंगे तो भाई मेरे हिसाब से ये वाला चार्म जो थोड़ा बहुत मतलब कि 0.10% कैरी किया था कार्तिक ने, वो भी नहीं होगा अर्जुन कपूर से, और ये मूवी गारंटेड फ्लॉप जाएगी। क्योंकि सन ऑफ सत्यमूर्ति भाई बहुत लेजेंडरी मूवी थी, बहुत ज्यादा ना गट्स चाहिए ऐसी नॉर्मल फिल्म बनाने में। देखिए चाहे आप ये वाली देख लो शहजादा, भाई बहुत नॉर्मल सी कहानी है, घर की कहानी है, बट जो चार्म कैरी करना पड़ता है ना, जो स्वैग कैरी करना पड़ता है अल्लू अर्जुन वाला, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और भाई NTR काफ़ी बार बोल चुके हैं, सबको लगता है कि एक्शन करना मुश्किल है, पीरियड मूवी करना मुश्किल है, लेकिन मैं हर बार ही कहता हूँ द वे अल्लू अर्जुन डज मूवीज़ वो सबसे ज़्यादा मेरे को मुश्किल लगता है, क्योंकि वो एक चीज़ डालते हैं जो कि है उनका स्वैग, वो भाई हर किसी के बस की बात नहीं। बाकी आप अपनी राय बताओ, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये अल्लू अर्जुन की सन ऑफ सत्यमूर्ति का रीमेक देखने के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे चल, तब तक आप सभी को अलविदा।